हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम को डील कैसे करेंगे? गैस से। सॉलिड का कोई इंफॉर्मेशन निकालना हो, गैस की गैस का मोल निकालिए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें सॉलिड के बारे में भी मालूम हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें सिर्फ केपी निकालना है, निकाल के दिखाइए। ओके, ये और किसी का आंसर आया? टोटल प्रेशर, तो हम इक्विलिब्रियम पर इसको 2p लिखेंगे, इसको p लिखेंगे, तो टोटल प्रेशर आपका इक्विलिब्रियम पर 30 है, मतलब 3p इज इक्वल टू 30, तो p इज इक्वल टू 10, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 10। अब आपके पास है kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो 20 का होल स्क्वायर इनटू 10, 4000। You understand? This is आसान, बस स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता ही है इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन में भी। अरे बोले ना, सबको समझ में आया? आया सर। आगे बढ़ें। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। निकले सारे लोग? यस सर। यस सर।
लास्ट क्वेश्चन इसी पर कराया था आपको, आप अपने से बनाइए देखिए। केपी कितना है जल्दी बताओ। 100 ऑब्वियसली टोटल प्रेशर यहां पर 20 है तो पी कितना हो जाएगा 10। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। चलो बाकी पॉइंट मैंने कहा था कि सॉलिड की जब भी कोई चीज कहे तो आप गैस को देखें। DOD 50/23 अच्छा ओके देखते हैं। सबसे पहली बात पीवी से कंटू एनआरटी मैंने कहा था गैस को डील करें। कोई भी एक गैस ले लीजिए क्योंकि दोनों का प्रेशर तो 10 ही है। तो 10 है वॉल्यूम 80 है मोल्स ऑफ गैस चाहे अमोनिया कोई भी ले लें आप 0.08 है 1000 है ये पूरा कैंसिल। अमोनिया का मोल भी कितना आ गया 10 मोल हो गया बताइए। तो जब अमोनिया के मोल इतने हुए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NHO4 अमोनियम बाई सल्फाइड जो हो गए वो भी 10। ये 10 मोल क्या है इनिशियल है कि रिएक्टेड मोल है रिएक्टेड मोल इनिशियल मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास गिवन मास 1000 मोलर मास कितना आ रहा है 5 51 है तो 51 है तो लगभग 20 लोग है ना। अरे बोलो ना लगभग 20 सही कह रहा हूँ। यस सर डीओडी का मतलब होता है मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। वही लगभग 50% आएगा या उससे कुछ कम होगा बताइए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस any problem? No sir. अरे चलिए इस पर एक शानदार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो मैं कराता हूँ।
लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नए कंसेप्ट पर चलेंगे। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर ये NH4HS लिखा है या H5 लिखा है सर आपने? NH4HS क्या बोल रहे हो? 5? हाँ मतलब नहीं, हमको लगा NH4H5 लिखा हुआ है सर। नहीं, HS है, HS है, सल्फाइड, सल्फाइड। यस सर, यस सर। अमोनियम बाइसल्फाइड लिख लिया सारे लोग? यस सर। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? यस सर। लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ बोलो, लिख लिए? यस सर। हाँ देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है नीट का, यहाँ गौर से सुने। एटिक्विलिब्रियम अमोनिया इज एडेड सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पहले तो ये खुद एक इक्विलिब्रियम ये है, आपको लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम पे क्या क्या अमोनिया ऐड किया गया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एट न्यू इक्विलिब्रियम नाउ इक्वल्स द ओरिजिनल टोटल प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर, मतलब अभी जो टोटल प्रेशर है इसमें, और अमोनिया ऐड करने के बाद, फर्दर अमोनिया ऐड करने के बाद जो टोटल प्रेशर है उसी का रेशियो निकालना है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अभी इसका एक टोटल प्रेशर, देखो दोबारा सुना, अभी इसका एक टोटल प्रेशर होगा, मान लो P1 है, अमोनिया जब ऐड किया तो वही कह रहा है कि वो उसका जो प्रेशर हो गया P2, तो वही कह रहा है P1 P2 का रेशियो निकाले एक इस इक्विलिब्रियम में, और अमोनिया ऐड करने के बाद ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, या तो फॉरवर्ड जाएगा, भले रिमेंस इक्विलिब्रियम में रहेगा लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो रहेगा ही। तो उस न्यू इक्विलिब्रियम में जो टोटल प्रेशर आएगा, और अभी जो प्रेशर है उसका कह रहा है रेशियो निकालें, बाकी कुछ भी डाटा गिवन नहीं है,
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो देख लो गौर से सुनो, ये आपके पास सारे लोग ध्यान दो, लिखने में मत रहना, पहले समझना। और इस क्वेश्चन को समझ समझ के दो तीन दफा बनाओगे अपने स्टेटमेंट को, ध्यान देना गौर से सुनो। पहली बात ये है कि थ्री गैस है, हम P को मान लें ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ओरिजिनल है जो अभी जो इसके पास है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो देखिए पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यही तो निकालते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। तो अगर इस न्यूमेरिकल में हमें NH3 का है तो टोटल प्रेशर तो आपके पास P है, अब यहाँ पर कुछ नहीं लेकिन मोल का रेशियो से निकाल सकते हैं, टोटल मोल्स कितने हैं गैस के, दो और एक तीन। yes, sir. अमोनिया के मोल है दो, तो 2/3 आप इसके इनिशियल मोल के रेशियो से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई नथिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो हम स्टोइकोमेट्रिक मोल रेशियो से निकाल लेंगे, अमोनिया के 2 मोल और टोटल मोल ये, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। यस यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टोटल प्रेशर तो कंटेनर का सबके लिए सेम ही रहेगा, 1 है तो 1/3, ये आ गया सबको समझ में। तो आप इसका KP निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो P into 2/3 इंटू P इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास कितना गया 4/27 PQ। तो ये आपका KP आया इस इक्विलिब्रियम में, पहले यहां तक लिखिए सारे लोग। सारे लोग ने लिख लिया, बताइए हाँ या ना? नो सर। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। अरे मोहसिन तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। जी सर। अब देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ो, NH3 ऐड किया गया कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। अब NH3 इज एडेड, तो फिर क्या लिखा हुआ है, इस तरह ऐड किया गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू ओरिजिनल टोटल, क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू ओरिजिनल टोटल प्रेशर। तो बताओ ओरिजिनल टोटल प्रेशर को हम लोग क्या माने थे, पी। अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन। हाँ जब ऐड किया तो एक, हाँ तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर ऑफ ये पी के बराबर होगा, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आप NH3 ऐड किया तो ये बराबर हो गया। तो हमें CO2 का ऑब्वियसली खुद सोचो, जब इस इक्वेशन में तुम NH3 ऐड करोगे तो तुम पढ़ चुके हो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अमोनिया डालोगे तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा ना। अरे बोलो ना। अब वही तो न्यू इक्विलिब्रियम, हाँ न्यू इक्विलिब्रियम में NH3 का तो पार्शियल आपको मालूम हो गया, CO2 का मालूम नहीं है। तो अगेन KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर इनटू CO2। KP पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चीज ऐड कीजिए KP इज इंडिपेंडेंट, तो KP तो यही रहेगा 4/27। यस सर।
सब कुछ देखो भाई, बेसिक कंसेप्ट मजबूत नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर वगैरह, चाहे अमोनिया ऐड किया कुछ भी किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो भाई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो उस न्यू इक्विलिब्रियम में CO2 आपको मालूम नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो यही रहेगा। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपके पास आ गया 4/27 PQ / PA² ये आपका कैंसिल 4/27 P, क्लियर है कि नहीं। टोटल प्रेशर अब हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल न्यू प्रेशर, तो टोटल न्यू प्रेशर कौन क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कंटेनर में पार्शियल प्रेशर CO2, तो अमोनिया का प्रेशर तो आपको P दिया ही हुआ है, ये आपके पास आ गया 4/27 P, कितना आ गया 31/27 P। तो बस न्यू यही हमें निकालना था। देखो और से सुनो, कहा गया अमोनिया ऐड किया गया तो आपको क्या कहा गया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू द टोटल ओरिजिनल प्रेशर। इसमें हम न्यू जब हम अमोनिया ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उस न्यू इक्विलिब्रियम में अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन के मुताबिक टोटल प्रेशर के बराबर है CO2 का पार्शियल प्रेशर नहीं मालूम है, मदद से निकाल लिया, टोटल प्रेशर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें रेशियो कह रहा है, तो रेशियो कह रहा है तो उसके न्यू टोटल प्रेशर और पी ओरिजिनल प्रेशर यही का आपको कह रहा है कि आप निकालें तो न्यू प्रेशर कितना है 31/27 P और ओरिजिनल कितना था P कैंसिल। तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आया चुका था, कॉमन सेंस वाला को इसी तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में और कराई जाएंगी। सबको समझ में आया या नहीं आया, ये वाला स्लाइड लिख लिया था जल्दी बताइए, बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। सर जो ये इक्वेशन दे रखी थी इसने H2 वाली, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे दे रखी थी ना, तभी हमने उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑब्वियसली है, हां हां पहले से इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का साइन है वो स्टेटमेंट आया, इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी पहले से इक्विलिब्रियम पे है। ओके ओके, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, लिखा भी हुआ है इक्विलिब्रियम अमोनिया इज एडेड, इसका मतलब पहले से इक्विलिब्रियम पे है ना भाई। इसे समझ गया सर, थैंक यू। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। लिख लिया yes, sir. हेट्रोजीनियस सिस्टम का न्यूमेरिकल सबको समझ में आया, बाकी प्रैक्टिस वाले सेशन में और प्रैक्टिस कराई गई, हेट्रोजीनियस सिस्टम के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो आपको आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा आप ध्यान देना, ये है कि टॉपिक डालिए
ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, हम आयनिक भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन से डिफरेंट क्या आ सकता है, समझ रहे ने मेरी बातें? जी सर। यस सर। टॉपिक डालिए कैलकुलेशन ऑफ डीओडी फ्रॉम टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है, अब तक डीओडी आपने निकाला मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। तो हम आपको डिटेल बताते हैं, लेकिन डिटेल मेथड समझ करोगे, शॉर्टकट ही करोगे, लेकिन मैं समझा भी देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है और से सुनो, PCl5 है, सारे लोग ध्यान दो, PCl3 है प्लस Cl2 डिसोसिएट हो रहा है। तुमको दो डिफरेंट टेम्परेचर दिया रहेगा और दो प्रेशर, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैं बताऊंगा, वही लिखा हुआ है, दो एक इनिशियल टेम्परेचर प्रेशर, फिर कहेगा टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दिया तो फिर डिग्री निकाले। तो सबसे पहले बताओ इनिशियल मोल ए है तो इसका 0 0 होगा। हेलो एवरीवन, और ए माइनस ए अल्फा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा अल्फा, याद है लिखवाया था ए अल्फा ए अल्फा। Yes. अरे एक्स एक्स होगा तो हो जाएगा ना, अल्फा के फॉर्म में यही लिखोगे ना? यस सर। हाँ शादान, सबको समझाया था ना आपको? यस सर। जी सर। हाँ, एक्स को अल्फा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब देखो इनिशियल है, देखो बहुत आसान है, तुम फॉर्मूला याद कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तुम जानते हो, ठीक है भाई जानते हो। अब देखो अगर हम इससे इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम तो हमेशा सेम ही रहेगा, और इनिशियल, अब बताओ जब इनिशियल प्रेशर है तो बताओ इनिशियल प्रेशर में हमें सिर्फ केवल इनिशियल मोल ही लेना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि शुरू में तो सिर्फ PCl5 रहेगा, तो ARTT1। अब बताओ जैसे आफ्टर सम टाइम प्रेशर चेंज हो जाएगा, शुरू में तो सिर्फ PCl5 गैस का प्रेशर होगा, तो अब हम टोटल मोल्स निकाल लें एट इक्विलिब्रियम, कि जब फाइनल कुछ होगा तो सारे लोग देखो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा तो कैंसिल है ए इंटू वन प्लस अल्फा, तो पी टू वी जो आपके पास है तो अब टोटल मोल्स हो गया ए इंटू वन प्लस अल्फा इंटू आर टी टू। पहले ये दोस्त फिर से सुनो, पी वी सेकंड टू आर, इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर रहेगा तो हम P1 भी है, हम इनिशियल मोल सिर्फ PCl5 का लेंगे, T1 तो टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर वगैरह बढ़ाएंगे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो अब जो प्रेशर आएगा वो P2 आएगा, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल जो होगा उसमें सबका ना कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए A इंटू वन प्लस अल्फा RT2। पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सर। यस सर। तो बस इस दोनों के रेशियो से एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, लॉन्ग मेथड यही है, आपको कहेगा अल्फा निकालो, लॉन्ग मेथड यही है। अब हम इसका तुमको और आसान कर देते हैं कि जब इसका तुम करोगे, ये मैं जानबूझ के बताया कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर आप फॉर्मूला भूल जाए, दो डिफरेंट टेम्परेचर दो डिफरेंट प्रेशर दिया रहे तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, तो आप इसी तरह निकालेंगे, एग्जैक्टली इसी तरह। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes. अब अगर हम दोनों करें कैंसिल T1 by, बताओ क्या बच जाता है, 1 plus alpha T2। पहले यहां तक लिखो, फिर next slide पर चलेंगे।
हाँ बोलिए ना, लिख लिया. हेलो एवरीवन. यस सर. यस सर. अब देखिए पी वन बाई पी टू जो है टी वन बाई टी टू प्लस अल्फा टी टू, यही तो है. अरे बोलिए. यस सर. यस सर. अब देखिए यहाँ से अल्फा आ जाएगा कि नहीं, तो मैंने रेशियो निकाल डिटेल मेथड भी बता दिया. पी टू टी वन, पी वन टी टू प्लस अल्फा पी वन टी टू, यही है. बोलिए ना. यस. तो अब आप क्या करेंगे कि अल्फा वाले को एक साथ ले आए, इसको इधर ले आए. तो पी टू टी वन माइनस पी वन टी टू अल्फा पी वन टी टू, बस सर फॉर्मूला आ गया. पी टू टी, पी टू टी वन, पहला याद रखो हमेशा, पी टू तो टी वन माइनस पी वन पी टी टू डिवाइडेड बाय P1 T2, ये वाला जो है यहाँ नीचे आ रहेगा. दिस इज द फॉर्मूला. तो वो दो टेम्परेचर दो प्रेशर है कि नहीं बताओ. अब मोल उल कुछ का, मोल उल कुछ भी दिया रहे, क्या इसमें इस्तेमाल होगा मोल उल कुछ भी दिया रहे तो? नहीं. हाँ क्योंकि हमने फॉर्मूला देखो ये पूरा डिराइव करके बताया है, इसलिए मैंने जानबूझ के बताता हूँ कि अब मैं डायरेक्ट बता देता कि सर 10 मोल का क्या काम होगा फिर ये सब जो दिया हुआ. इसलिए देखो 10 मोल लोगे भी तो कैंसिल हो जाएगा. पहला टर्म याद रखो P2 T1, तो माइनस उल्टा कर दो P1 T2 और जो बाद में आया उसी को नीचे लिखो. डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? समझ समझ के पढ़ो. पहला एकदम याद रख लो, पहला याद रख लो, दूसरा उसका उल्टा माइनस कर दो और नीचे में वही लिखो जो बाद वाला आया है. हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. तो इस तरह करोगे. ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन सब है कि आपको एग्जामिनर दो टेम्परेचर जब दे दे तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे. दिस इज मिसलेनियस एग्जाम्पल. कोई कंफ्यूजन है तो बताइए. आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी है, बताइए ना. उसको बोलिए. आगे बढ़े. हेलो एवरीवन. लिख लिया? यस सर. यस सर. यस. एक क्वेश्चन बना के दिखाइए, दम धराधर बनाइए. टू अमोनिया गैस है. इतना
खतरनाक क्वेश्चन सब रहेगा, आपको कहना है भाई क्या खतरनाक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एक टेम्परेचर एक प्रेशर, दूसरा देखो टेम्परेचर बढ़ाया प्रेशर बढ़ाया, अब वही पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बताओ दो टेम्परेचर दो प्रेशर है कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग मिलके। यस सर। अरे यार तुम लोग बताते नहीं हो, जल्दी बताओ सारे लोग, क्वेश्चन को देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि दो टेम्परेचर प्रेशर का है, तो आप जल्दी से कर दें। पी टू टी वन माइनस पी वन टी टू बाय पी वन टी टू, बताओ P2 कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ फाइनल प्रेशर कितना दिया हुआ, 50। अरे बोलो यार कुछ तो बोल दो यार, 50। यस सर। T1 कितना है, 300 केल्विन 15 है, T2 कितना है, T2 आपके पास होगा 347 में 273 ऐड करो, 7 3 10 4 7 11 12 तीन दो पांच 620 आएगा, जल्दी बताओ। यस सर। इनिशियल प्रेशर 15 है, तीन हाँ 620 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 620, सॉल्व करके बताओ सारे लोग कितना आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अगर इसी को डिटेल में करते, इसमें गेलुसाक लॉ भी निकल लगा लगा के फॉर्मूला ड्राइव, गेलुसाक लॉ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। चलो जल्दी बताओ कितना आया आंसर, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो यार। 0.69 तो अल्फा इज इक्वल टू 0.06 आया कि नहीं, जल्दी बताओ। और परसेंटेज ऑफ अल्फा कहता तो 6% होता कि नहीं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी बताओ यार। यस सर। यस सर। इसलिए ये वाला क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लो, एकदम अच्छे से सेट कर लो। इस तरह का क्वेश्चन आता तो हम कैसे करते, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते। आगे बढ़े जल्दी बताओ। यस सर। यस सर।
हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर। सर जैसे याले क्वेश्चन में हर रिएक्शन के लिए सेम सर होगा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? किसके लिए? वो जनरल फार्मूला ड्राइव किया गया सबके लिए ही है सर। लेकिन जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो था वो 1:1 था, इसमें 2:1:3 है सर। तो वो किसमें? अभी हमने जो NH3 वाला किया। हाँ हाँ, NH3 वाला किया तो सर, तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो सेम है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, तो एक इक्वेशन लेके प्रूव किया गया ना, सारे सब में वही होगा। एक इक्वेशन लेके प्रूव किया गया, समझा कि नहीं? तो उसमें आपको वही आएगा, आप प्रूव करके देख लीजिए, कैंसिल होके वही आएगा सब कुछ। हेलो एवरीवन, एवरीवन सबके लिए वही है। अरे बोलिए ना, आप उसको भी लेके सॉल्व कीजिए, मैंने सॉल्व करने का तरीका तो बताया है ना। जी सर, जी सर। तो उसको करके देखिए आप, आपको वही इक्वेशन आएगा। अब हम सबको सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, हमने बता दिया एक को सॉल्व करके, बाकी आपको सबको सॉल्व करके कीजिए, वही आंसर आएगा। समझ रहे हैं ना? आप घर पर कीजिएगा डिटेल वाला मेथड। ओके यस सर। फाइनल टेम्परेचर कितना लिया था हम लोगों ने? 347 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन को 327 पर करते तो कितना आता देखिए? तो P2T1, अगर इसको एक अब लिखिएगा नहीं इसको आप लोग, P1 T2 T1 T2, फाइनल प्रेशर 50 है, T1 कितना है? 300, यही है ना? अरे बोलिए ना। जी सर। अच्छा, P250 ने 327 रहता तो कितना आता? 7 × 10 = 600 आता। नीचे भी 15 × 600 आता, ये कितना आ रहा? 15,000 - 9,000। तो आपके पास कितना आ गया जल्दी बताइए? 100 कॉमन भी ले सकते हैं आप, तो ये कितना आ जाएगा? 15,000 में 6,000 हो जाता है, 6,000 / 9,000, 2/3 आ जाता, कितना होता? 0.600। हाँ तो सही है, सबके लिए फार्मूला यही होगा, मैंने फार्मूला ड्राइव किया है। ओके, आगे बढ़े, जल्दी बताएं। चलिए, मैं कंफर्म कर रहा था। चलिए ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। आपको जो भी करेंगे उसका फार्मूला यही होगा, सुना सारे लोग एवरीवन? यस सर, वही होगा। केपी का फॉर्मूला ड्राइव थोड़ी ना किया गया, केपी लिया जाता तब अलग लगा था, यहाँ आपको मैंने इनिशियल करना है, वो करना है, कैंसिल उनसे हो के वही आएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। हम बता रहे थे कॉम, ये जो नया कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये चीजें डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है लेकिन आयनिक में है, तो हम आयनिक को क्वेश्चन को केमिकल इक्विलिब्रियम की मदद से कैसे, केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि जब आयनिक है में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट तो इसमें भी दे सकता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है ये एक इक्विलिब्रियम है, गौर से सुनो, एक इक्विलिब्रियम ये है, इसमें आपने HCl मिला दिया, HCl मिला दिया तो बताओ कॉमन आयन हो गया कि नहीं H+ का, बताओ? अरे बोलो ना यार। यस सर। यस सर, वही हाल है। अब तक आपने ये पढ़ा इक्विलिब्रियम में, दिस इज के लास्ट टॉपिक, कि सर कि एक इक्विलिब्रियम जब जब एक ही कंटेनर में दो इक्विलिब्रियम दिया जाए तो उसको क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो यही वाला कांसेप्ट डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन आयनिक में इसके कॉन्सेप्ट मौजूद है कि एक ही कंटेनर में दो इक्विलिब्रियम या दो रिएक्शन होगा तो हम बाकी चीजें कैसे निकालेंगे। तो साइमल्ट इसको कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम। इफ टू इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन क्लोज करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए, तो टॉपिक डालिए। साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम,
इसका क्या मतलब हुआ? देखो इफ टू इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन क्लोज कंटेनर, कि जब दो इक्विलिब्रियम आ जाए तो इसमें कंडीशन है इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कॉमन हो, क्या हो, शुड बी क्या हो, कॉमन, इसलिए उसमें आयनिक में कहते हैं कॉमन आयन, फिर शुड बी कॉमन। अरे यार बोलो ना, तो बस इसमें कुछ नहीं है, मैं टॉपिक पढ़ा, इसमें बस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको समझना है, बस बाकी कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को समझना है। तो बस कॉमन आयन अफेक्ट के नाम से आयनिक में आता है ये बातें, आपको एक नए क्वेश्चन में इसी को केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, अगर दो इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस करे साइमल्टेनियसली और उसके लिए कंडीशन है वन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी कॉमन, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हेलो एवरीवन, आगे बढ़ें, हेलो एवरीवन। जी सर, जी सर, यस सर। तो इसमें अब कुछ थ्योरी वोरी नहीं है, क्वेश्चन ही है बस, क्योंकि आपको दिया हुआ है तो वही है, समझिए वही हेट्रोजन, ए सॉलिड है, बी गैस दिया और सी गैस दिया। कल का रूटीन मालूम है आपको, कल सुबह 11 बजे आना है और शाम में 7 बजे आना है, डिड यू अंडरस्टैंड सर? अरे बोले सर? हाँ बोले जी सर, नमाज का टाइम हो रहा, वो थोड़ा 15 मिनट आगे पीछे कर दीजिए बस। हाँ तो इस फ्राइडे को होगा, बाकी अब सैटरडे को ही होगा, संडे फ्राइडे को आप क्वेश्चन डिस्कशन, सैटरडे को तो कल सैटरडे नहीं रखते, सैटरडे को क्वेश्चन डिस्कशन रखेंगे, ओके, चूंकि बाकी सुबह शाम क्लास होगी ही, सैटरडे को डिस्कशन क्लास रखेंगे, फ्राइडे को शाम में क्लास, कल सुबह में नहीं आना है, शाम में आना है, एनी कन्फ्यूजन? नो सर। सैटरडे को 7 बजे 7 PM यस सर, यस सर। हाँ तो डाल दिया गया ना, हाँ मीटिंग आईडी 691 ही रहेगी, ओके सर। सर रोज, अरे यार लिखा हुआ उसमें गधा, मंडे में 4 दिन हो गए, मंडे टू थर्सडे, ओके सर, कंफ्यूजन ही रहता हमेशा, हमेशा क्लास 4 दिन रहेगी, मंडे टू थर्सडे सुबह शाम, सैटरडे क्वेश्चन डिस्कशन पी ब्लॉक, ओके सर, शाम में इनऑर्गेनिक होगी, इफ टू इक्विलिब्रियम या हां KP1 इसका दिया हुआ है 64, अब आपके पास डी सॉलिड है, बी गैस है, इसमें इंफॉर्मेशन दे देगा फाइंड टोटल प्रेशर, पहले बताओ ये साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, हाँ या ना? यस सर। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉमन, ओके स्टूडेंट, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट करते नहीं है और एग्जाम में दे देता है, तो इसलिए यार कोई नई चीज नहीं आएगी कि कोई अलग से कंसेप्ट आएगा। हाँ आयनिक में इसी को आप कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से पढ़ेंगे। देखिए फाइंड द टोटल प्रेशर क्या क्या पूछ सकता है,
ले सारे लोग यस सर देखो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है पहले लिख लिया आप देखिए आपको साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम है ए सॉलिड है या आपके पास बी गैस है और सी गैस है और आपके पास दूसरा है डी सॉलिड है देखिए सारे लोग और बी गैस है और ई गैस है अगर हम इसका पार्शियल प्रेशर को एक्स लें तो इसका भी पार्शियल प्रेशर एक्स होगा इसका पार्शियल प्रेशर वाई लें तो इसका पार्शियल प्रेशर वाई होगा लेकिन चूंकि एक ही कंटेनर में है तो सारे लोग बताओ बी और बी का कॉमन आए लग जाएगा एक्स प्लस वाई एड हो जाएगा कि नहीं जल्दी बताओ हाँ या ना हेलो एवरीवन यही चीज आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आएगा अरे समझ में आया हेलो यस यस सर दोबारा सुनो हम लोग पी वन पी लेते थे ना अगर इसका पार्शियल प्रेशर एक्स है तो इसका भी इक्विलिब्रियम पर एक्स होगा अगर इसका वाई है तो इसका वाई क्योंकि कंटेनर में दोनों मेरे रिश्तेदार ही है भाई एक ही है आओ भाई मेरा ऐड कर लो ये एक्स प्लस वाई ये भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा डिड यू अंडरस्टैंड पहले ये दो स्टेप लेने आया सबको आया सर जी सर अब के पी वन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ये एक्स जो है ना ये पार्शियल प्रेशर है एंड पी कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है इसको रहने दीजिए एक इक्वेशन आपका ये बन गया 64 के पी टू आपके पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ई तो ये आपके पास आ गया वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 36 हमें पहला कंसेप्ट क्या निकालना है टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर जो निकालना है सबका टोटल प्रेशर होना चाहिए तो बताओ बी मिलकर तो एक ही होगा ना ये बी तो एक ही कंटेनर में आप कहलाएगा तो टोटल प्रेशर का मतलब हुआ x प्लस वाई बी का है सी का x है और e का y है सब ऐड कर दो तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं अरे बोलो yes, जो नशे में रहेंगे वो एक्स प्लस वाई सब कर देंगे नहीं भाई बी अब कंटेनर में तो बी एक ही है ना ऐड होके तो एक्स प्लस वाई ना आया है अरे बोलो यार यस सर यस सर हां तो कोई एक एक्स प्लस वाई लेंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई अब हमें यही टोटल प्रेशर निकालना हमें एक्स प्लस वाई मालूम नहीं है तो मालूम हो जाएगा तुम क्या करो के पी वन प्लस के पी टू को ऐड कर दोगे तो 100 आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई चूंकि मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये आ जाएगा कि नहीं जल्दी बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बस ये 10 10 यहां पुट कर दो टोटल प्रेशर 2 इनटू 10 20 अब बताओ कोई इसमें रॉकेट साइंस आई कोई नई चीज आई नहीं बस स्टूडेंट को टफ लग जाता है कि दो इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली दे दिया कंपटीशन का कोई ठीक नहीं है कि ओरिजिनली वही जो है वही आए वो दो इक्विलिब्रियम को कंटेनर में दे दिया बाकी चीजें वही पूछा कोई नया चीज इसमें इस्तेमाल हुआ हो तो बताइए आप कोई नई चीज इस्तेमाल हुई इसमें नहीं वही जो पढ़ चुके हैं वही आपको है दिमाग लगाना है कि हमें कैसे निकालना है बोलो यार सबको समझ में आया हाँ या ना एवरीवन ये स्लाइड लिख लिया था बताइए ये स्लाइड लिख लिया
एक सेकंड सर, लिख लिया। हाँ लिख लिया, ये लिख लिया। लिख लिया। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, लिख लिया? नो सर। लिख लिया सर। अब आपके पास दूसरा पार्ट है इसमें, वो है फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड ई। सी और ई के मोल का रेशियो निकालना। किसी का आया है आंसर? आपको हमें बेसिकली कैसे निकालना है कि आपको मालूम है के पी वन बाई के पी टू का अगर हम रेशियो लें तो 64/36 आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। और इसका रेशियो निकाला जाए तो एक्स प्लस वाई एंड वाई इंटू एक्स प्लस वाई 64/36, तो आपके पास एक्स वाई वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 64/36। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, एक्स क्या है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर है, जल्दी बताइए। हाँ या ना? तो जो आपको खुद सोचिए, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। हेलो एवरीवन। यस। अरे यार कोई नहीं बोल रहा है। तो पी वन बाई पी टू जो होगा तो वो काई वन बाई काई टू होगा, काई वन बाई काई टू जो होगा वो एन वन बाई एन टू भी होगा। जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन एन वन बाई एन वन प्लस एन टू, काई टू इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन प्लस एन टू। टोटल रेशियो लोगे तो एन वन बाई एन टू ही बचेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। अरे सबको समझ में आया ये चीज है, जल्दी बताओ। पार्शियल प्रेशर का रेशियो इज इक्वल टू काई वन बाई काई टू, काई वन बाई काई टू का रेशियो इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू। अरे मैं बोला करो ना यार, समझ में आया सबको? जल्दी बोलो। यस सर, आ गया। हाँ ये बोलो। वेरी गुड। अब सुनो, मैं ये कह रहा था तो एक्स बाई वाई क्या है, मैं लिख भी देता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का, किसका प्रेशर था? देखो सी का, सी और सी का है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब वाई किसका है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ई। तो 64/36, तो यही नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो होगा। बस कॉमन सेंस की बात करनी थी, यही रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड ई। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो यार, कुछ तो बोल दो। यस सर। यस सर। यस यस। चले निकाल ले आप इसको, सॉल्व कर सकते हैं। 64 को बाय कैंसिल होने वाला है, कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए। 16 बाय 9 आ जाएगा।
आ गया, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हो गया? यस सर। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अरे यार कुछ तो बोलो, क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है 2 × x + y, वो 20 आपको दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना, सही कह रहा हूँ? 20 दिया हुआ है ना, पहले पार्ट से जो आया था। अब हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनसी निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो यहाँ से निकल जाएगा। बताओ कैसे निकलेगा, बताओ ना यार, कोई तो आदमी बता दो। सर x by y का रेशियो पता है और x plus y भी पता है, तो हाँ x भी पता है। x कितना पता है? सर नहीं, x by y का रेशियो पता है हमको। x by y का रेशियो क्या पता है आपको? 16 by 9। यस 16 by 9। अब 16 by 9 जब मालूम है और आपको x प्लस वाई भी मालूम है 10, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए कोई, है कि नहीं? यस सर। तो x को तो रहने दीजिए, y की वैल्यू जो होगी वो 9x/16 हो जाएगी, 25x/16 हो जाएगी, तो x is equal to हो जाएगा 160/25। बस तो मोल फ्रैक्शन is equal to 160/25 × 20। ये हो गया। बोलिए हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? जल्दी बता। ये बस कैलकुलेशन है, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में कोई नया कांसेप्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। बस आपको जानना गया कि वन ऑफ द प्रोडक्ट कॉमन होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। अरे मदीहा नाम की, अरे मोहसिन को समझ में आ रहा है यार? ये मदीहा लोग क्या कर रही हैं बैठ के, कुछ आ रहा है उनको समझ में? यस सर। तो सैटरडे को केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन होगा, उसके बाद हम केमिकल बॉन्ड का, उसके बाद एक लंबी क्लास होगी जिसमें सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन की डिस्कशन और करना है मुझे। दिस इज ऑल।